This candle march is conducted by the Awam of the Kashmir to protest, to resent the activities which has happened yesterday, where the innocent JK police personnel have been killed by the people across from the other side of the fence. They have been supporting these militant activities in this peaceful Kashmir. We, the people of Kashmir, want to live in peace. We want to progress. We reject this type of. ये जो कल जवन पांचक में जो सानिया हुआ था, पूरा जम्मू व कश्मीर, लद्दाख समेत पूरी जो ये हमारी स्टेट है, पूरी तरह से हम इसमें गमजदा और हमारा दिल पूरी तरह से रंज हुआ था इंसानियत से। एक किलिंग हो जाएगी, ये पूरे इंसानियत की किलिंग हो रही है। मैं आपके वसातत से, यहाँ के मीडिया के वसातत से मरकजी सरकार को ये अपील करना चाहता हूँ, आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक कश्मीरी नौजवानों का या कश्मीरी सिक्योरिटी फोर्सेस का, J&K पुलिस का या किसी भी सिक्योरिटी फोर्स का कब तक सड़कों पे खून छिड़कता रहेगा? आखिर इसका हल क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि मरकजी सरकार पूरी तौर पर इस पर इकदाम उठाए और यहाँ के नौजवानों के साथ बात करे, जिससे हमारा ये मसला हल हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। बाकी जो यहाँ की मीडिया मेहनत कर रहे हैं, उसकी पूरी जम्मू कश्मीर तारीफ कर रहा है। ऐसे नौजवान हमारी एक मशल है। ये जो अपने जान की बाजी लगाकर ऐसे, और ये जो बार बार सुनने को मिलता है, उधर ऐसी ड्रामाई किलिंग हो रही है, इधर ड्रामाई किलिंग हो रही है, इसका पूरी तरह से तहकीकात भी होना चाहिए। बाकी इसका क्या होगा? जो 7 साल का, 6 साल का, 5 साल का, 10 साल का मरकजी सरकार या हमारा जो ये देश है हिंदुस्तान, अब तो हम बूढ़े होने को आए हैं। उस जनरेशन को वो क्या करेगी? भाई साहब बीच में मत आइए सर, आप थोड़ा रुक जाइए। अच्छा पास